बैसाख के महीने में एक राही दोपहर के समय एक दूर गांव जा रहा था। चलते चलते उसे प्यास लगी। सुबह से चलते चलते थक गया हूँ मैं, बहुत जोर से प्यास भी लगा है, लेकिन रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं पानी मांगू। हाँ, एक आदमी आ रहा है, जाके उसे पूछता हूँ। भाई साहब, पानी है आपके पास? मैं तुम्हें पानी वाला दिखता हूँ, फल वाला हूँ मैं, पानी वाला नहीं। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब वो नहीं है तो पानी है क्यों पूछे? आप गलत समझ रहे हैं, मैं पीने के लिए मांग रहा था। पीने के लिए मांग रहे हो तो मुझे से क्यों? मैं पानी बेच रहा हूँ, फल का टोकरी नहीं दिख रहा है। पानी और फल क्या एक होता है? धरती और आसमान क्या एक होता है? आम और इमली नहीं पहचानते हैं, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। आपसे पूछकर गलती हो गई। गलती तो है ही तुम्हारा, देख रहे हो इतनी कड़ी धूप में फल का टोकरी लेके जा रहा हूँ तो पानी क्यों मांगे? हाँ, किसी से बात करने से पहले सोच लिया करो। हाँ, उफ, कैसा आदमी है। ना, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कितना छाव है यहाँ पे। कौन? गोपाल जी? नहीं, मैं पास के गांव का हूँ, पानी ढूंढ रहा था। क्या बोल रहे हो? अपना गांव छोड़कर यहाँ आए हो पानी के तलाश में? पानी की तलाश जब कर ही रहे हो, ढुमरी गांव का पानी पिए हो? जी नहीं। क्यों? पता है तुम्हें ढुमरी गांव का पानी बहुत मीठा है, मैं वहाँ का पानी पिया हूँ, तुम भी जाके पीना। ढुमरी गांव में मेरे मामा का घर है, समझे? आप अपने मामा के घर का पानी अपने पास रखिए, अभी मुझे बहुत प्यास लगा है, पीने के लिए पानी दीजिए। तुम्हें पानी पीना है तो अपने गांव में ही पी सकते थे, इसके लिए तुम 5 कोस दूर इस गांव में क्यों आए हो? जहां तहां से चले आते हैं। चिल्ला चिल्ला कर मेरा दिमाग खराब कर दिया, चलता हूँ यहाँ से। हाँ, पेड़ के नीचे कोई है, जाके उससे पूछता हूँ। भाई साहब, पानी कहाँ मिलेगा बता सकते हैं? यही मिलेगा, रुको अभी तुम्हें दिखाता हूँ। जमीन के अंदर में पानी, बादलों में पानी, गंगा में पानी, यमुना में पानी, सागर में भी पानी, कुएं में भी पानी, नाली में पानी, नल में पानी, तालाब में पानी। क्यों, मिल गया? हाँ, मिल गया। एक और पागल, जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। और भी है, झील में पानी, आँखों में पानी, मुंह में पानी, बारिश का पानी, सुनकर जाओ। जा, कहाँ गया, भाग गया क्या? हाँ, नहीं, अब लग रहा है इस गांव में पानी नहीं मिलेगा। पृथ्वी पर 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है, समुद्र का जल नमकीन है। जाकर उस बच्चे से पूछता हूँ। सुनो बेटा, क्या हुआ है, क्या चाहिए? पढ़ते समय उसे परेशान क्यों कर रहे हैं? हाँ, सुबह से इससे उससे पूछ रहा हूँ, लेकिन पानी का पता कोई नहीं बताया। मैं तुम्हें पानी का पता दूंगा, आओ आओ मेरे साथ। रासायनिक प्रक्रिया से पानी का विश्लेषण करके मिलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, समझे तुम?
मैं पीने का पानी किसे कहते हैं? जिस पानी में दुर्गंध नहीं होता, बीमारी वाला बीज नहीं होता, जैसे इन बोतलों में देख रहे हो तुम। इस बोतल में तालाब का पानी है, इसमें बहुत ज्यादा कीटाणु है। इस पानी का जांच करके मैं अधिक मात्रा में कीटाणु निकला हूँ। ये पानी पीते हैं? ये शुद्ध पानी है, इसमें दुर्गंध कीटाणु नहीं है। आप मुझे शुद्ध ठंडा पानी दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। ये रहा पीने का पानी। हाँ दिखाइए। ये क्या हुआ? हाँ जांच किया हूँ मैं, चलता हूँ। नमस्ते। वो यात्री अपना बुद्धि लगाकर बच गया, लेकिन वो ये प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक जीवित रहेगा उस गांव में नहीं जाएगा। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। महाराज, सर्वनाश हो गया है। क्या हुआ है? आपकी दी हुई हीरे की अंगूठी मिल नहीं रही है महाराज। क्या तुमने मेरा दिया हुआ उपहार खो दिया? इसके लिए कठिन से कठिन सजा मिलेगी। महाराज, जो मैं गलती की हूँ उस गलती की सजा अब जो देंगे मैं सर झुका के लूंगी महाराज। तो ठीक है, इसी क्षण तुम मेरा राजमहल त्याग कर चली जाओ। महाराज, यही मेरा आदेश है, आज रात में ही तुम राजमहल छोड़कर चली जाना। रानी माँ, रोने से कोई फायदा नहीं, अब क्यों नहीं गोपाल को बुलाती हैं? उनसे बोलकर देखिए, वो हो सके तो इस समस्या का कोई समाधान ढूंढे। हाँ, बात तो तू ठीक बोल रही है, तो फिर जा जल्दी से गोपाल को बुला के ला। अभी जा रही हूँ रानी माँ। बहुत दुख की बात है रानी माँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ। नहीं गोपाल, एकदम नहीं। तुम जितनी भी विनती कर लो गोपाल, आज मैं तुम्हारा बात नहीं सुनूंगा। रानी को जो मैं सजा दिया हूँ वो सजा बरकरार रहेगी। हाँ, रानी जाते समय उसका जो प्रिय होगा वो ले जा सकती है, यह बात रानी को बता देना। ठीक है महाराज। रानी माँ, आप समझ गई है ना आपको क्या करना होगा? हाँ गोपाल। ठीक है तो रानी माँ, अब आप इधर संभालिए और मैं उधर जाकर संभालता हूँ। ठीक है गोपाल। महाराज, आपकी सजा के आदेश पे मैं महल छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक अनुरोध है, अगर आप सुने तो। ठीक है, तो बताओ क्या है तुम्हारा अनुरोध? महाराज, मैं जाने से पहले आपके लिए शरबत बनाई हूँ, अगर आप पी ले तो। ठीक है, तो दो तुम्हारा शरबत। रानी माँ, पालकी तैयार है, अब आप आइए। और महाराज? अरे आओ तुम लोग। अब उठाओ महाराज को।
ये मैं कहाँ आ गया? ये तो मेरा राजमहल नहीं है। ये क्या रानी, तुम अब तक यहीं हो? महाराज, मैं आपका राज्य त्याग कर आ गई हूँ। ये मेरा मैका है। यहाँ मैं कैसे आया? महाराज, पिछले दिन आप ही ने तो कहा था कि मुझे जो प्रिय होगा मैं लेके जा सकती हूँ। तो एक पत्नी के लिए पति ही तो प्रिय होता है, निकट होता है, इसीलिए। सच बताओ तो यह बुद्धि किसकी है? जी महाराज, मेरा है। सचमुच गोपाल, तुम्हारा बुद्धि का मैं कैसे तारीफ करूं? महाराज, अब आप रानी माँ को क्षमा कर दीजिए। हाँ जरूर जरूर रानी, मैं तुम्हें मन से क्षमा कर दिया। गोपाल, उच्च बुद्धि के लिए यह लो तुम अपना इनाम। माँ, जल्दी से खाना दो, स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ दे रही हूँ, ले खाना खा ले। अहना सरल सीधा स्वभाव की एक ग्रामीण लड़की है। लिखने पढ़ने में बहु लोगों की तरह ही अहना अपने माता पिता के साथ रामलीला देखने गई थी। आज उसका ऐसा ही हुआ। उफ, आज भी देर हो गई स्कूल आने में। उफ, जाने दो, नहीं जाऊंगी पढ़ने। जा रही हूँ बगीचे में घूमूंगी और समय बिता के शाम को घर जाऊंगी। अरे शर्मा जी के आम के पेड़ पे कितने सारे आम हुए हैं, पके भी हैं। जाती हूँ, जाके एक दो तोड़ती हूँ। अरे पेड़ की डाल पर कौन बारे? उतर जो बोला था नी। अरे माली ने देख लिया। अरे उतरे के बोला था नी। हाँ हाँ उतर रही हूँ। चोर कहीं के तू पूरा दोपहर में आके दूसरा के पेड़ से आम तोड़ा था रे। उतर। फिर यदि तो के बगान में देख ली तो मार के तोरा हाथ पांव तोड़ डाला, सुन ले। रुक माली, मुझे मौका मिलेगा ना तो इसको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। इधर उसी दिन रात के समय अहना के घर के सामने मैदान में रामलीला थी। मैं काल रूपी मृत्यु हूँ, यमराज मेरा नाम है। इस भयंकर काल दंड से मैं रावण का वध करूँगा। सभी मन लगा के रामलीला देख रहे हैं। यही सही मौका है, जाके शर्मा जी के बगीचे में आम तोड़कर सारा नुकसान करके उस माली को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। गुस्से में तो मैं आ गई, लेकिन इस अंधेरे में शर्मा जी के बगीचे में जाने से तो डर लग रहा है। है लड़की, कहाँ जा रही हो? लगता है यादव के बगीचे में माली को सजा देने जा रही हो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? माली जब तुम्हें डांट रहा था तब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। सुनी, माली के ऊपर मुझे भी बहुत क्रोध है। चलो हम तुम दोनों मिलकर उसे सजा दें। आओ मेरे साथ।
अरे वो आदमी कहाँ चला गया? चाचा जी, ओ चाचा जी, सुन रहे हैं? ऐ लड़की मिल गई जो तू, हम लोगों के साथ आनंद से नाच करो तक दिन दिन। माँ, ये तो भूत लोग हैं, अब क्या करूँगी? अब खाऊंगा हर मन से, अब खाऊंगा चबा चबा। छोटी लड़की आओ मेरे मुंह में, चबा चबा कर खाएंगे, चबा चबा कर खाऊंगा। अरे छोटी लड़की, मैं तुमको कैसे खाऊं? मुझे भी मुलायम मांस खाने का मौका मिला है, खाऊंगा मैं भी खाऊंगा, भाग मैं पाऊंगा। इन भूतों से कैसे भी करके बचना होगा। मैं भी खाऊंगी हड्डी पसली तोड़ तोड़ के खाऊंगी, तुम्हारे हड्डियों का रॉकेट बना के उड़ के चली जाऊंगी। अरे ये कौन है रे? तुम मनुष्य हो ना और कोई हो? अरे बाप रे बाप, जो जहाँ पे है सो जल्दी भागो, ये मामूली लड़की नहीं है। नहीं, अब मैं यहाँ से भागती हूँ। उसके बाद से ही अहना यादव जी के बगीचे में और किसी दूसरे रात नहीं गई। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बहुत देर हो गई, मगर अभी तक पुजारी नहीं आया महाराज। वही तो सोच रहा हूँ, मैं थोड़ा आगे जाकर देखूं महाराज। ओह, कितनी गर्मी है, प्यास के मारे गला सूख गया है। जाता हूँ पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। देखो, हम लोगों के पुजारी वहाँ बैठे हैं। ये क्या, पेड़ के नीचे बैठकर हाथ पैर फैलाकर गोद में सिंहासन लेकर आराम कर रहे हैं? ये बात तो महामंत्री को जाकर बताना पड़ेगा। अभी जाकर महामंत्री को बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहे हो? आने दो पंडित को, बताता हूँ। प्रणाम महाराज, आने में थोड़ी देर हो गई, चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। आज से आप अपना पूजा करने का अधिकार खो दिए। लेकिन मेरी गलती क्या है महाराज? आप पेड़ के नीचे बैठकर गोद में सिंहासन रखकर आराम कर रहे थे और बोलते हो देर हो गई, ये बात क्या झूठ है? नहीं महाराज। ये क्या पंडित जी, आप वो पवित्र सिंहासन को अपवित्र करके जो अपमान किए हैं, उसी कारण आपको इस पाप के लिए प्राश्चित करना होगा। और जब तक आप अपने पाप का प्राश्चित नहीं कर लेते, तब तक राजमहल में पूजा एवं पूरे नगर में भी आप पूजा नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पूजा किए तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब तुम ही बताओ गोपाल, एक पुजारी का अगर पूजा करना बंद हो जाए तो कैसे चलेगा? रोइए मत पुजारी जी, आप दो तीन दिन धैर्य रखिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है गोपाल। चलो गोपाल, थोड़ा घूम आते हैं। चलिए महाराज। ये
यह कहाँ लेकर आए हो गोपाल? यहाँ बहुत बदबूदार वातावरण है। शमशान है महाराज, देख नहीं रहे हैं, चारों तरफ चिताएं जल रही है। सारथी, तुरंत रथ वापस ले चलो। जो आ गया महाराज। ओह, अशुद्ध हो गया हो, अब इस ठंड में भी नहाना पड़ेगा आपको भी और हमको भी। क्यों, शमशान में जो मटका था लग रहा है वह चिता बुझाने वाला मटका था महाराज। रथ तो एक वाहन है, उसके पहिए के नीचे चिता बुझाने वाला मटका टूटे या फिर चिता जलाने वाला लकड़ी टूटे, उससे हमको क्या फर्क। महाराज, गरीब पंडित जी भी तो नारायण सिंहासन लेकर राजमहल जा रहे थे, वो भी तो भगवान के वाहन थे, तो इससे नारायण कैसे अशुद्ध हो गए। तुम्हारी बुद्धि न्याय शास्त्री का जवाब नहीं, लेकिन वहाँ तो धर्म शास्त्र का उल्लंघन किया था, इसलिए उनको तो प्राश्चित पूरी करनी पड़ेगी। तुम जाकर उनको बोलो अपनी प्राश्चित पूरी करके राज दरबार में आए पूजा के लिए, और जो भी खर्च होंगे वो मैं दूंगा। ठीक है महाराज। सचमुच गोपाल, आज तुम्हारे वजह से मैं फिर से पूजा पाठ शुरू कर दिया। तुम्हारा ये कर्ज मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा गोपाल, जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा।